दीपदान से भगवान होते हैं प्रसन्न, जीवन में सारे सुखों का वरदान देते हैं। लेकिन दीपदान करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि दीपदान का सही तरीका आखिर क्या है। इसके अलावा ये भी जानना चाहिए कि कौन सा दीपक आपकी किस समस्या का समाधान करेगा। दीपक तो नियमतः शास्त्र में बताया गया 16 प्रकार के होते हैं, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी करते करते आप 16 मुखी तक दीपक जला सकते हैं। लेकिन विशेषतया चार मुखी तक हम लोग विशेष उपयोग करते हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। पहला जो होता है किसी अभिष्ट कामना के सिद्धि के लिए हम जब कोई अनुष्ठान करते हैं, जैसे विगत समयों में हम नवरात्रि अभी समाप्त हुई है तो उसमें उस समय हम लोग जो दीपक जलाए थे उसको कहते हैं एक मुखी दीपक उस समय जलाना चाहिए। और किसी कामना के निमित्त हम जब जलाते हैं तो दो मुखी वहां पर जलाते हैं। और तीसरा जो हम लोग जलाते हैं तो जो तीन मुखी जो दीपक होता है वो देवी देवी दुर्गा देवी जी को प्रसन्न करने के लिए हम करते हैं। और जो चार मुखी दीपक होता है वो भैरव या यमराज को, जो क्रूर ग्रह है या क्रूर देवता है, उनको हम शांत करने के लिए, उनको हम प्रसन्न करने के लिए हम चार मुखी दीपक जलाते हैं। जैसे भैरव का, भैरव के निमित्त जला सकते हैं। जैसे हम लोग पूजा पाठ में छत्रपाली इत्यादि निकालते हैं उसमें चार मुखी दीपक का उपयोग होता है। सबसे पहले आपको बताते हैं एक मुखी दीपक का महत्व। सामान्य रूप से हर पूजा पाठ से पहले एक मुखी दीपक जलाया जाता है। एक मुखी दीपक जलाकर कोई भी सामान्य मंत्र जाप किया जा सकता है। कार्तिक में एक मुखी दीपक पूजा स्थल पर ही जलाएं। दीपक भले ही एक मुखी हो पर उसमें दो बत्तियां होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं दो मुखी दीपक का महत्व, क्योंकि इसका नाता आयु से है। दो मुखी दीपक लंबी आयु के लिए जलाया जाता है। दो मुखी दीपक घी से ही प्रज्वलित करना चाहिए। इसे भगवान शिव के आगे या खुले आसमान के नीचे जलाना चाहिए। दो मुखी दीपक प्रज्वलित करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि ये हर बार नया हो। तीन मुखी दीपक शत्रुओं पर जीत दिलाता है, तो आइए आपको बताते हैं इसका महत्व। तीन मुखी दीपक शत्रु बाधा समाप्त करने के लिए प्रज्वलित किया जाता है। तीन मुखी दीपक को तिल के तेल से जलाया जाना चाहिए। तीन मुखी दीपक को घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। इसे कार्तिक महीने में हर शनिवार की शाम को प्रज्वलित करना चाहिए। चार मुखी दीपक धन का वरदान और शुभ फल देने वाला होता है, तो आइए आपको बताते हैं इसका महत्व। चार मुखी दीपक धन प्राप्ति, ग्रह दोष निवारण और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रज्वलित किया जाता है। चार मुखी दीपक को आमतौर पर घी से ही जलाया जाता है। इसे घर में पूजा वाली जगह पर जलाना चाहिए। चार मुखी दीपक को कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे के नीचे जलाना चाहिए। तुलसी के नीचे रविवार को दीपक नहीं जलाना चाहिए। और अब बात करते हैं छह मुखी दीपक की। इसे सुख शांति के लिए जलाया जाता है। घर में सुख शांति, संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी समस्याएं छह मुखी दीपक से दूर की जा सकती हैं। इसे घी या तिल के तेल से जलाया जाता है। छह मुखी दीपक को घर में पूजा वाली जगह पर प्रज्वलित करना चाहिए। ये दीपक मिट्टी का ही होना चाहिए। कार्तिक के महीने में छह मुखी दीपक को सुबह स्नान के बाद जलाना शुभ माना गया है। श्री हरि कृपा पाने के कल्याणकारी महीने कार्तिक में दीपदान के महत्व के साथ ही पूजा में अलग अलग मुख के दीपक के प्रयोग कितने लाभकारी हैं, ये तो आपने जान लिया। लेकिन कार्तिक महीने में पांच बातों का आचरण आपके लिए महाफलदायी साबित हो सकता है। वो पांच आचरण क्या हैं? आगे जानिए।